एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी है। उसमें कुछ मजदूरों के बयान हो चुके हैं, आसपास घरों में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनकी सारी रिकॉर्डिंग ली जा चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है और उसमें मेरा मानना है कि गिरफ्तारी वगैरह के भी प्रयास चालू होंगे। दूसरा जो काम है इसकी टेक्निकल जांच का, वो केडीए के द्वारा इसमें जांच टीम गठित की गई है। केडीए के इंजीनियर्स ने सैंपल भी इनके लिए हैं और वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स हुआ। दोनों चीजों की जांच अलग अलग चल रही है और दोनों की जांचें हैं उनमें जल्दी प्रगति आएगी और जिसका भी दोष है वो सामने आएंगे। अलग अलग मजदूरों ने जो अलग अलग संख्या बताई थी 40 से 60 के बीच में थी, करीब 50 का एस्टिमेशन हम लोगों का रात को था, तो अभी भी हो सकता है इसमें 20 के आसपास मजदूर ट्रैप्ड हों। उसके लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें आई हुई हैं, उनके डीआईजी के देखरेख में सारा ऑपरेशन चल रहा है और उन्हीं के द्वारा जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगा के सारी ड्रिलिंग या जो भी किया जा रहा है कार्य वो जारी है। पूरी रात ये काम जारी था। अभी कुछ मशीन्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मशीन बुंदेलखंड में, लखनऊ में कहीं भी हो तो मंगाई जा सके। वो क्रशिंग मशीन होती है बेसिकली, जो पूरे के पूरे कॉलम को क्रश कर देती है। अभी जो मुख्य समस्या इसमें आ रही है वो है कि पूरा स्ट्रक्चर हिलता है अगर कोई भी ड्रिल मशीन इस पे काम करती है, और उससे ये खतरा पैदा हो जाता है कि कोई भी इसका कोई भी बड़ा पीस किसी भी मजदूर में जो अंदर फंसा है उसके ऊपर गिर गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। मुख्य समस्या इसी में यही आ रही है कि मजदूर ज्यादा फंसे होने की संभावना है और उनमें से किसी की मृत्यु इस रिलीफ ऑपरेशन के दौरान ना हो जाए, जो ड्रिलिंग है उसके दौरान ना हो जाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है।